नमस्कार साथियों, आज सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में बहुत अच्छे पदों पर वैकेंसी निकली है, जो आप सबके लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। उसके लिए पूरा डिस्कस करेंगे, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, कब तक फॉर्म चलेंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन बिजली विभाग में लगभग 1033 पदों पर वैकेंसी निकली है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पदों पर वैकेंसी है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम क्राइटेरिया क्या होता है, एजुकेशन कितना चाहिए आपको। इसके लिए अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसका जो होगा, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके 19 अगस्त से, और फॉर्म कब तक चलेंगे, 12 सितंबर। 12 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर लीजिए, कई बार क्या होता है सर्वर एरर रहती है। इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट बताई गई कि अक्टूबर के सेकंड वीक में होगा, तो आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम भी है, पढ़ सकते हैं। इसका चयन कैसे होगा, इसमें क्या होगा कि आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा 180 नंबर का होगा, दूसरा एक पेपर होगा आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर के पेपर में आपके 50 क्वेश्चन होंगे। इस 50 क्वेश्चन में आपको क्या होगा, 20 नंबर जरूर लाने। अगर 20 नंबर पहले पेपर में नहीं लाए तो आपके दूसरे पेपर में चाहे 180 में 180 नंबर ले आए, कॉपी चेक नहीं होगी। जैसे आपके पीसीएस वगैरह में सीटेट का पेपर होता है, प्रीलिम्स में उसको क्वालिफाई करना जरूरी है, वही यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको 20 नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी सेकेंड कॉपी नहीं चेक की जाएगी। और दूसरी बात, इसमें क्या निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं कि पहला पेपर को कंप्यूटर वाला को पढ़ाई ही नहीं करनी, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। दूसरा आपका कंप्यूटर का जो होगा पेपर होगा, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जीएस पूछा जाएगा, हिंदी पूछी जाएगी, इंग्लिश पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें मैथ पूछी ही नहीं जा रही है। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 20 नंबर का। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट होंगे, मेडिकल होगा। सिलेबस देख लेते हैं, आपके इंग्लिश से 55 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और हिंदी से 55, दोनों बहुत स्कोरिंग किए जा सकते हैं। जीके से 25। देखिए एक्चुअली ये पेपर कौन कराता है, टीसीएस कराती है, तो टीसीएस के जीके थोड़ा टफ होती है, तो इसमें क्या हो सकता है 15 से 20 आप मैक्सिमम मान लीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे तो स्कोर किए जा सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग में स्कोर करना है। और चलिए सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। इसमें इंग्लिश का सिलेबस है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वर्ब्स, टेंस, आर्टिकल, फिल इन द ब्लैंक, ग्रामर, वोकैब्स, मतलब समझ लीजिए पूरे इंग्लिश है। टॉपिक देख लीजिए, उन सबको अच्छे से पढ़िए। हिंदी में इतने टॉपिक है और बहुत अच्छे से 50 में कम से कम 50 नंबर आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं, हिंदी इतनी टफ नहीं आती है। और आपकी जर्नल स्टडीज में करंट अफेयर का बहुत अच्छा वेटेज रहता है, इसलिए करंट अफेयर जरूर तैयार कीजिएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह इन सबको भी पढ़ लीजिए। चैनल में आप सबकी पेट की क्लासेस चल रही हैं, पेट की क्लासेस से जीके तैयार कर लीजिए, सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। लेकिन आपको मेन फोकस किस में करना है, हिंदी में, इंग्लिश में और आपके रीजनिंग में, क्योंकि जो टीसीएस के आपने एग्जाम दिए, क्योंकि टीसीएस थोड़ा सा अलग लेवल का ही जीके पूछती है, फिर भी आपको इतनी क्लासेस मिल जाएंगी कि आप आराम से 15 से 20 नंबर स्कोर कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करके। और इसके साथ ही आपका क्या होगा, ये रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग में आराम से बच्चों ने 50 के ऊपर ही स्कोर करते हैं, क्योंकि रीजनिंग अच्छी आती है और आराम से की जा सकती है। ये तो हो गई आपकी तैयारी और सिलेबस। अब आपको जैसे प्रैक्टिस कहाँ करनी, पहले बात तो समझ लीजिए कि ये सब सिर्फ सोचिए यूट्यूब से क्लासेस देख के सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये अच्छी वैकेंसी होती है। इसकी पिछली बार की जो मेरिट गई थी 152 गई थी, 200 में 152 इसकी गई थी, तो इसलिए अच्छा एग्जाम का पैटर्न भी होता है, अच्छी मेरिट भी अच्छी जाती है, जबकि पिछली बार इससे ज़्यादा वैकेंसी थी, इस बार उससे कुछ कम वैकेंसीज हैं, इसलिए आपको अभी से जुटना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे पहली बार हर एक टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस आप उन्हीं पेपर से करिए जो एग्ज़ाम टीसीएस कराती है। आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, सीजीएल का कर लीजिए, सीएससीएल का कर लीजिए, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए, क्योंकि टीसीएस ये वाली एग्ज़ाम कराती है, और भी जो एग्ज़ाम टीसीएस कराती है, टीसीएस के पैटर्न को समझने के लिए टीसीएस ने जो प्रीवियस ईयर पेपर कराए उन सबको करिए।
और अगर आप सबको इन सब की क्लासेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप सबको जीके के सिर्फ 100-200 पेजेस की पीडीएफ एक दी जाएगी, बस उसको तैयार कर लीजिएगा, आप आराम से 15-20 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अच्छे से करंट पढ़ लीजिए और ये सारे जीके के पढ़ लीजिए, आप आराम से स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।